to this video. My name is Manvi and I'm shooting this video on behalf of Invest Karo. And again, आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट पे आए हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में बताती हूँ. द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज इट इज इन ढकोली जीरकपुर, पर्टिकुलरली हम इसको बोलते हैं सेक्टर 5 जीरकपुर. एंड अबाउट द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट इज लग्जूरियस एंड ब्यूटिफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हैव अ लुक अराउंड. राइट, एज यू कैन सी इट हैज गॉट अ ब्यूटिफुल एंड ह्यूज ग्रीन एरिया. और इस प्रोजेक्ट में हमारे पास है क्या? यस, द प्रोजेक्ट इज अबाउट 3 BHK ओनली. वी गॉट 3 BHK, दैट इज सिर्फ प्लस 4-story विद लिफ्ट अपार्टमेंट. और इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि दीज आर रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट. आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 70+ फैमिलीज जो हैं वो रिजाइडिंग हैं. एंड जो इसका पोजेशन है दैट इज रीसेंट पोजेशन. हमने हार्डली 4 months अगो जो है वो पोजेशन शुरू किया है. सो दैट इज वाई द कंस्ट्रक्शन इज न्यू, द प्रॉपर्टी इज ब्यूटिफुल, द सराउंडिंग इज अमेजिंग. और बात करते हैं इसकी लोकेशन एंड फैसिलिटीज के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक अराउंड. ऑलराइट, नाउ अबाउट द अमेनिटीज. ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज अ रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट. और जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा बना हुआ है 8.5 acres ऑफ अ लैंड पे. सो द लैंड इज इमेंस. एंड इसके अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं? जैसे मैंने आपको बताया द प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी रेरा अप्रूव्ड और इसमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक रेरा अप्रूव्ड ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में होनी चाहिए. दैट मीन्स वी गॉट क्लब हाउस, यस, स्विमिंग पूल एरिया, यस, अ ह्यूज गार्डन आप देख सकते हो. इसमें इंडोर गेम्स हैं, जिमनेजियम है और किड्स प्ले एरिया है, एवरीथिंग. बहुत ही ब्यूटीफुल एक ओपन एम थिएटर है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे बच्चे परफॉर्म करते हैं उसके लिए बहुत ही सुंदर हमने ओपन थिएटर बना रखा है. सो एवरीथिंग, बास्केटबॉल कोर्ट इज देयर, स्प्लैश पूल फॉर द किड्स इज देयर, एवरीथिंग. जो भी मॉडर्न एमिनिटीज एक मॉडर्न मैन आजकल ढूंढते हैं हाउसिंग सोसाइटीज में, एवरीथिंग इज देयर. ऑलराइट, सो वी डन विद द लोकेशन एंड अमेनिटीज. अब हमारे पास पूछता है सैंपल अपार्टमेंट, अभी हम वही देखेंगे. उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ. दैट इज, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 2 तरह के 3 BHK हैं. वट डज दैट, दैट मीन्स ये जो इंटायर प्रोजेक्ट है इट कंसिस्ट ऑफ 3 BHK ओनली, बट हमारे पास 2 तरह के अपार्टमेंट हैं, लो राइज एंड हाई राइज. लो राइज अपार्टमेंट्स में हमारे पास है स्टिल्ट प्लस 4 stories और हाई राइज अपार्टमेंट में हमारे पास है स्टिल्ट प्लस 14 stories. बट फिलहाल जो है हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है दैट इज ओनली इन लो राइज अपार्टमेंट्स. वाई? बिकॉज हाई राइज हमने अभी स्टार्ट ही किया है. येस, द बुकिंग हैज नॉट येट ओपन बट इट विल बी ओपन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. अब हम चलते हैं हमारा लो राइज अपार्टमेंट का सैंपल फ्लैट देखने, जिसका साइज है 1450 square feet. ऑलराइट, सो जैसे ही हम, दिस इज द सैंपल अपार्टमेंट, जैसे ही हम फ्लैट में एंटर करते हैं वी गेट इन टू द ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया. सो इट हैज गॉट ample space, right, for 9 to 10 people, as you can see. And on the other corner we have got the dining area, right, to enjoy your parties and stuff. And this area mein ek bahut hi beautiful corner that we have provided, as you can see here. Aap isko, you know, as temple you can use, some people use it for storage and for bar, your choice. और इसमें आपको मिलने क्या वाला है? यस, द फॉल सीलिंग एंड द लाइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द मास्टर बेडरूम. सो दिस इज द मास्टर बेडरूम. आप देख सकते हो कि इसका जो साइज है 11x16 है. और बेडिंग के बाद भी हमारे पास जो है बहुत ही अच्छा एक मूवेबल एरिया है. राइट, द बेडरूम कम्स विद द अटैच्ड वॉशरूम एंड विद द ब्यूटिफुल बालकनी. So, in the washroom, you're gonna get the Jaguar and Perrier sitting, which gives you a luxury feeling. And along with the false ceiling and lights, you're gonna get these spacious closets. So, let's get to the second bedroom. सो दिस इज द सेकेंड बेडरूम और इसका साइज भी ऑलमोस्ट 11x15 ही है. एंड दिस ऑल्सो कम्स विद द ब्यूटिफुल बालकनी एंड यस दी अटैच वॉशरूम. अगैन इसके साथ भी बहुत ही स्पेशियस क्लॉजेट्स हैं जो आपको मिलने वाली हैं फॉर योर स्टोरेज. एंड नाउ आई एम अबाउट टू शो यू द बालकनी.
ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारे अपार्टमेंट की बैक बालकनी है। हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं उसकी यूएसपी ये है कि ये जो बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट्स है, यूजली आपने देखा होगा कि अपार्टमेंट्स जो है वो पीछे से बंद होते हैं या देर आर यू नो साथ साथ बने होते हैं। इसके अगर आपको दिखाएंगे कैमरा में तो आप देखोगे कि 20 फीट वाइड जो है रोड है वो बैक बालकनी के साथ, राइट। सो देयर गोना बी एम्पल वेंटिलेशन एंड सनलाइट। सो लेट्स मूव टू द थर्ड बेडरूम। सो ऑलराइट, हियर कम्स द थर्ड बेडरूम। यूजुअली जब आप 3 BHK लेते हो तो जो थर्ड बेडरूम होता है ना वो बाकी के दो अपार्टमेंट रूम से उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ऑल्सो 11x14 साइज ऑफ द रूम एंड दिस ऑल्सो कम्स विद अटैच्ड वॉशरूम एंड यस द बालकनी। दिस बालकनी इज माई फेवरेट और इसके साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल क्लोजेट हैं जो आपको मिलने वाले हैं। एंड वाई दिस बालकनी इज माई फेवरेट वो आपको व्यू बताएगा इसका। What an a view, right? You can feel the openness and the sun and the ventilation. Kitni hi amazing subah hone wali hai aapki. So let's get to the kitchen. So this is the kitchen area. Kitchen आपको जैसी दिख रही है as it is मिलने वाली है। This is a soft touch modular kitchen. We've got a designated space for the refrigerator and beautiful closets. और इसके साथ जो double wall जो है वो sink area आपको मिलने वाला है। And ये this kitchen is also attached with that balcony जो हमने अभी अभी देखी ही है for proper ventilation and light. So this is all about the apartment and so alright, this is it about the project. और अब important information, जैसे कि आपने देखा है कि project already ready to move in है, बहुत सारी families यहाँ पे रह रही हैं। That is why the inventory is very 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 less. तो जो लोग अपने लिए luxurious 3 BHK देखना चाहते हैं with such a beautiful amenities, visit this project as soon as possible. And for more information, call on the number given below and yes, you can also write in the comment section and don't forget to like, share and subscribe. See you soon right here. Bye bye, have a good day.